और फेस्टिव सीजन में ऑफर्स का असर रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। दिवाली के दौरान मुंबई में फ्लैट्स की बिक्री में 15-20% की बढ़त दर्ज की गई है। बिल्डर्स ने प्राइसेस जो है वापस बढ़ा दी है। अब अगर यही चलन रहा और दो चीजें कंबाइन हुई कि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ गई और ब्याज की दरें भी बढ़ गई और काफी बढ़ गई, अगर ऐसा हुआ तो शायद हम डिमांड में फिर से कमी। अब देखना ये है कि बिल्डर्स पिछले साल हुए प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश से सबक लेकर कीमतें नियंत्रण में रखते हैं या फिर उसे बढ़ाकर प्रॉपर्टी बाजार में एक दूसरे क्रैश को निमंत्रण देते हैं।